रनिंग फ्रॉम कुरुक्षेत्र, आई थिंक ऑलमोस्ट हमने कुरुक्षेत्र जो है वो पार कर लिया है। गाड़ी का ब्रेक का फेल हुआ है, दूसरी हिमालयन में जो है अपना पंचर का दिक्कत हो गया था, तो ये दो कांड हो गए थे अपने साथ में जिसकी वजह से अपने को थोड़ा सा लेट हो गया। अदरवाइज जो अपना 6 अभी टाइम हो रहा है, 6:17 हो रहे हैं और हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि मॉर्निंग में 7-7:30 बजे तक अपना जो पॉइंट है जिस जगह हमको पहुंचना है अपनी डेस्टिनेशन पे वहां पर पहुंच जाएंगे, बट वो दो कांड होने की वजह से अपना जो है आराम से मोटा मोटा 3 घंटे खराब हो गए। तो अभी जो एक बंदा जो अपना जो साथ में थे यार वो पीछे रह गए थे, तो मैं रुक गया था यहीं पे। जगह तो नहीं पता वैसे कौन सी है ये, बट अब जो अपने आगे में चल रहे हैं उनको टच करते हैं जल्दी से। दो बंदे अपने यहाँ पर हैं और दो पीछे हैं, तो अभी देख रहे हैं पॉइंट अपना मिल अपना बैठने का कि कहाँ पे चाय वगैरह मिल के अपने बैठनी है, बैठ के पीनी है, और क्या अपना कहाँ चलना है। सो फाइनली एक स्पॉट मिल गया यार जहाँ पे थोड़ा सा अभी मॉर्निंग के टाइम में हम रुक के थोड़ा अपना चाय वगैरह पिए और चाय भी वगैरह पिए और थोड़ा सा मतलब अपना फ्रेश हुए। सो आई थिंक आपको टाइम दिख रहा हो, यहाँ पे टाइम हो रहा है जो अभी अराउंड 7:11 हो गए हैं। तो अरे यार इसमें मिट्टी में ना चली जाए ये, तो चाय वगैरह पीते हैं फिर मिलते हैं दोस्तों थोड़ा। तो अभी यार नया लोचा एक और क्रिएट हो गया अपने साथ में, मेरी वाली जो बाइक है डोमिनार, इसका साइलेंसर जो है ना निकल गया है गैसकेट में से। एक्सपेक्टेड है मुझे इसका, क्योंकि इसका ना ये वाला केस ना बहुत बार हो चुका है यार, मतलब हर किसी के साथ में, मेरे साथ में अब थर्ड टाइम हो रहा है ये वाला केस। ये जो देख सकते हो गए पूरा निकला पड़ा है यहाँ से मेरा साइलेंसर, और ये पूरी गैसकेट नीचे गिरी पड़ी है। आवाज़ ऐसी आ रही थी कि मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग कर रहा था, ऐसा लग रहा था मैं कोई मतलब ऑटो रिक्शा सा चला रहा हूँ, अपने बाइक नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे साथ में कोई ऑटो रिक्शा चल रहा है और उसकी बार बार ऐसी आवाज़ आ रही है साइलेंसर निकलने की वजह से। मेरे को हो गया था, डाउटफुल हो गया था कि साइलेंसर निकल चुका है मेरी गाड़ी का। तो अब मैं देखता हूँ यार कोई वर्कशॉप देखता हूँ यहाँ से, कोई नियरेस्ट कौन सी पड़ती है अपना बजाज का, वहाँ पर जाते हैं गैसकेट लगवाते हैं और फिर निकलते हैं बाकी आगे के लिए। वो है निकल गया है, इसकी गैसकेट हो गई है ख़राब और ये निकल गया है अब, और आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी कितनी ज़्यादा मतलब कैसी आवाज़ कर रहा है ये। और मेरे को डर ये है कि मेरी बाइक का साइलेंसर ना निकल के गिर ना जाए। तो मैंने गूगल मैप पे देखा था कि अपने को यहाँ से सिर्फ एक 1.2 किलोमीटर दूर एक जो बजाज का सर्विस स्टेशन है वो शो कर रहा था मैप पे, तो भी आराम आराम से बस वहाँ तक पहुँचते हैं और देखते हैं फिर इसका क्या करना है अब, क्योंकि इस कंडीशन में तो ज्यादा दूर तक चलाना थोड़ा रिस्की हो जाएगा अभी। गाड़ी बाइक जो है झटके अलग मार रही है, पहली बाइक में दिक्कत हुआ ब्रेक को लेके जो थी क्लासिक इलेक्ट्रा मॉडल जो थी रॉयल एनफील्ड की। सेकंड बाइक में दिक्कत हुआ पंचर को लेके जो हिमालयन बाइक थी, और तीसरी बाइक में मेरी वाली बाइक में लोचा हो गया है कि मेरी बाइक का साइलेंसर निकल गया। अब करें क्या करें, दिमाग खराब हो रहा है राइड में, आज ये वाली राइड मुझे लग रहा है कि सब मतलब तीसरी बाइक का मेरा नंबर आ गया और कौन सी बाइक का नंबर आएगा देखना पड़ेगा। ये तो अच्छा हुआ कि यार बस जहाँ पे ये प्रॉब्लम आई है वहीं के 1 किलोमीटर के अंडर में एक बजाज का सर्विस स्टेशन दिखा रहा है अभी। आई होप वो यार ओपन हो और गूगल पे जो है वो इन्फॉर्मेशन रॉन्ग ना हो, मतलब वर्कशॉप जो है वो मतलब वर्किंग में होना चाहिए, कहीं पता चले कि वो बंद हो या क्या हो यार। लेकिन ये बजाज का ना बड़ा प्रॉब्लम है यार, ये साला साइलेंसर का, तो बाइक में से ऐसी आवाज आ रही है जैसे मैं ऑटो चला रहा हूं।
क्या बोले, दिमाग खराब, पूरा टोटली दिमाग खराब। सीन क्रिएट हो रहा है, सीन पे सीन क्रिएट हो रहे हैं, कभी क्लासिक, कभी हिमालयन, कभी डोमिनार। अरे कहाँ है बजाज? अरे ये तो छोटी सी दुकान है, ये क्या है? भैया बजाज मोटरसाइकिल, बजाज किधर है? कुछ हरे कृष्णा को, हरे कृष्णा कृष्णा कुछ करके है क्या? इस रोड पे पड़ेगा, वहां रेड लाइट से लेफ्ट। तो स्टार्ट हो गया हमारी राइड का, उसमें हो गया मेरी बाइक की ऐसी तैसी, मतलब साइलेंसर निकल गया है, और मतलब बड़ा ऑकवर्ड सा, अजीब सा लग रहा है मेरे को ना अभी, बड़ा दिमाग खराब सा हो रहा है यार। कहां मेरे को, मतलब आराम से हम 80, 90, 100 के आसपास चल रहे थे, और अब यहाँ पे मेरे को अराउंड 35, 40 के लमसम मेरे को चलानी पड़ रही है। बस होपफुली जो ये अपना गैसकेट है वहाँ पे अवेलेबल मिल जाए। मैंने कॉल भी ट्राई किया उस नंबर पे जो मेरे को गूगल पे दिखा रहा था वहाँ का डीलरशिप, लेकिन किसी ने कॉल उठाया नहीं, रिंग जा रही थी। मुझे लग रहा है ये वाली राइड पे ना सबके साथ में कुछ ना कुछ होने ही वाला है, और बस छोटी मोटी चीज़ जो हो रही है वो ठीक है यार, लेकिन कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना हो बस। तो सेफली घर से निकले हैं, सेफली घर पहुँचे, कोई प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट ना हो कि कुछ दिक्कत सी हो जाए। अरे भाई ऐसे मत बोलो यार, यार मेरी बाइक का साइलेंसर निकल रहा है यार। सैटरडे संडे ऑफ रहता है? संडे बढ़िया वर्कशॉप है यार। अरे रॉयल एनफील्ड भी है, ये इसका वर्कशॉप भी है यहाँ पे, उनको बोलो ना यहीं पे आएंगे पहले अपनी का भी। अरे यार कैसे करें फिर, हैं क्या चीज? पंचकुला किधर है? पंचकुला किधर है? किस नाम से डीलरशिप? तो अभी जो डीलरशिप हमको बताया गया था वहां पे, जो हरे कृष्णा जो भी डीलरशिप था वो, तो अब यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे पता चल रहा है कि संडे के दिन में वर्कशॉप ही बंद रहती है यहाँ पे। समझ में नहीं आ रहा वर्कशॉप वाला, मैं खुद ऑलरेडी वर्कशॉप में वर्क करता हूँ यार, संडे को तो कोई छुट्टी नहीं होती है, यहाँ पे पता नहीं कैसे संडे की छुट्टी दे रखी है। अब कोई डीलरशिप बताया है यहाँ से 7 किलोमीटर आगे है पंचकुला में, वहाँ पे जा रहा हूँ। बात हुआ है कॉल पे, वो कह रहे हैं कि पार्ट अवेलेबल है, आप आ जाइए सर लगा देंगे। तो पहुंच गए हैं बजाज के सर्विस, ये मुझे कुछ शोरूम सा लग रहा है यार। भाई साहब वर्कशॉप कहाँ पे होगा? यही है ना वर्कशॉप सर? वर्कशॉप
एक्सक्यूज़ मी मैम, आप सर्विस स्टेशन में? हाँ, अभी जो बात हुआ था मेरा सब मैम, प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी करा दीजिए। हाँ, अरे वर्कशॉप में हूँ, पहुँच गया हूँ बस यहाँ पे। हाँ पहुँच गए, पहुँच गए हम। वो जॉब कॉल बना रहे हैं, करंट लोकेशन भेज रहा हूँ। ठीक है ठीक है, आ जाओ आ जाओ। सबकी बाइक रेडी हो गई, ये मेरी है, ये अन्नी की बाइक है जो अभी तक ख़राब नहीं हुई है, बट हम उम्मीद करते हैं कि अगला इसका इंजन खुल जाए। एक काजू कतली का डब्बा मेरी तरफ से। नहीं खुलेगा, एक हफ्ते पुरानी बाइक है। कोई बात नहीं सर, एक दिन पुरानी। अरे पहले सर्विस में 10 दिन खड़ी थी मेरी। कोई नहीं, तो वो हिमालयन थी ना ये, इनको ना इनको थोड़ा सा वहम है तो वो खत्म हो जाएगा इनका, बस एक बार इंजन खुल जाए। वो हिमालयन है, उसका स्टेटस ही वही है। वो हिमालयन है सर, वही है। तो होगी सबकी बाइक रेडी। और ये अपना अंशुमन, कोई नहीं कोई नहीं। हाँ यार ये क्लीन कर लो, थोड़ा ऑयल वगैरह लगा हुआ था ना। किधर है? बाय बेटा, टाटा। सो फाइनली अभी हो गया, अपनी बाइक की जो प्रॉब्लम थी वो रिजोल्व। और साथ ही में मैंने जो अपना यहाँ पे बजाज का शोरूम था, वर्कशॉप था उसी के साथ में रॉयल एनफील्ड का वर्कशॉप था। तो अपनी जितनी भी चारों बाइकें जो रॉयल एनफील्ड की चल रही हैं साथ में, इनका भी जनरल एक चेकअप करा लिया है वहाँ पे। और एक गाड़ी का ब्रेक शू का पूरा स्प्रिंग टूटा हुआ था, जो जिस गाड़ी में रात के टाइम में मैं एक ब्रेक को टाइट कर रहा था, तो उस गाड़ी का ब्रेक का पूरा स्प्रिंग टूटा हुआ था। खुलवा के देखा तो उस गाड़ी में ब्रेक शू नहीं डलवा लिया। तो ओवरऑल अभी जो अपना जो थोड़ा बहुत जो दिक्कत था वो अभी शॉर्ट आउट कर लिया है हमने। ना अटके यार अपने को बीच रोड पे ऐसी कोई, कि हम ना अपना फिर दोबारा हमारा गंदा वाला टाइम खराब हो अपना।